हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको OLX वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, OLX में हम क्या कर सकते हैं, फ्री में अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। अगर आपको कोई पुराना सामान अपना बेचना हो या फिर अगर आपने कोई नया परचेज किया है और आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और ये वेबसाइट ऐसी है कि आप इसमें लोकली जो बंदा आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है, आप उसको आसानी से बेच सकते हैं। आपको डोर टू डोर जाके किसी को कोई कन्वेंस नहीं करना है, किसी को कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। आपने सिर्फ अपना ऐड यहाँ पर इस वेबसाइट में पब्लिश कर देना है, पोस्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, वो आपको खुद कॉन्टेक्ट करेगा जिसको उसको उस सामान को खरीदना होगा। और इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी और अच्छे दामों में अपना सामान जो है OLX में बेच सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर यहाँ पर ये इमेज है, इस इमेज में जैसे माउस लाते हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी यहाँ पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, OLX.in, अगर आप इंडिया में हैं तो OLX.in खोल लीजिए। तो जैसे आपने OLX.in खोला, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आपके पास ऑप्शन होता है एक माय अकाउंट का। अगर आपने इसमें पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप इसमें क्या करें, माय अकाउंट में क्लिक करके इसमें ऐड पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका जो अकाउंट है वो नहीं है नया, तो आपने क्या करना है, फिर माय अकाउंट में क्लिक करना है। पहले से यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आता था, अब वो नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर माय अकाउंट में क्लिक कर लीजिए। जैसे आप माय अकाउंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आता है रजिस्टर का। जो न्यू यूजर होते हैं वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसमें रजिस्टर में क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ईमेल, जो आपकी ईमेल है, ईमेल डालने को बोल रहा है। और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप पासवर्ड है क्रिएट कर रहे हैं, आपने जो जीमेल का पासवर्ड है वो यहाँ पर नहीं डालना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने ईमेल डाल दिया है और पासवर्ड डाल दिया है, पासवर्ड को हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक बटन में चेक करना है इसको। और जैसे यहाँ पर चेक करेंगे, और इससे पहले आप क्या कर लीजिए, इसके टर्म्स एंड सर्विस को यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ सामान ऐसा है जो हम नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करेंगे। तो जैसे क्रिएट में क्लिक करा तो यहाँ पर से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, और आप अपना ईमेल जो है चेक कर सकते हैं और वेरीफाई अपना अकाउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ईमेल में गए और यहाँ पर से OLX का देखिए यहाँ पर ईमेल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। एक्टिवेट में गए और एक्टिवेट अकाउंट में हमने क्लिक करा, तो हमारे जो OLX में अकाउंट है वो क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो गया, और यहाँ पर आपका ये जो ईमेल है वो भी लिखा हुआ आ रहा है। आपने क्या करना है, अगर कोई चीज़ बेचनी है तो सबमिट अ फ्री एड में क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट अ फ्री एड में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए टाइटल के लिए इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है वो नोटिस्ड हो, मतलब लोग उसको देखें, तो आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पर फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए जो टाइटल है आपने उसको अट्रैक्टिव बनाइए, और ऐसे वर्ड जो यूज़ करिए उसमें जो लोग सर्च करते हों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप इन्होंने एक और इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैपिटल लेटर का और सिम्बल्स का यूज़ मत कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड डालते हैं अपना। मैंने यहाँ पर एक ऐड कॉपी बनाई हुई है, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं और ब्रांड न्यू भी डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए अट्रैक्टिव हो गया। इसका मतलब यह है कि जो हम ये जेब्रोनिक्स का पावर बैंक जो हम दे रहे हैं वो क्या है, नया है, नई कंडीशन में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है कि जो मैं बेचना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बेचना चाह रहा हूँ। मैंने एक पावर बैंक खरीदा था, यहाँ पर देखिए ये पावर बैंक है, इसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको बेचने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गए हम कैटेगरी में सेलेक्ट जाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर गए तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये एक तो यहाँ पर कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर कैटेगरीज जो हैं, कैटेगरीज में आपने क्या करना है, मोबाइल में क्लिक करना है। जैसे मोबाइल में क्लिक कर दिया तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, मोबाइल की एसेसरीज में आप जाएंगे। एसेसरीज में जैसे आप गए तो यहाँ पर देखिए जो एसेसरीज है वो काय की है, मोबाइल की है। तो मोबाइल में हमने क्लिक करा तो यहाँ पर से ये इसने कैटेगरी जो है वो सेट कर दी है। अब यहाँ पर से आपने प्राइस जो है वो प्राइस डालना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस है, MRP जो है हमारे आइटम की, वो है 1999 रुपये। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने जो चीज़ बेचनी है उसका प्राइस अगर आप कम रखेंगे तो आपके उसमें ज़्यादा व्यूज आएंगे। जैसे ये चीज़ जो है मैंने खरीदी थी ₹1000 की, मान के चलिए मैंने ₹1000 में ये चीज़ खरीदी है, और अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ तो मैं इसको ₹800 कर देता हूँ। ₹800 मैंने करा। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, सबसे पहली बात तो है कि आपने अपने जो भी आप प्रोडक्ट है उसको पूरा डिस्क्राइब करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसकी कैपेसिटी बता रहा हूँ, इसकी वारंटी बता रहा हूँ कि 1 साल की है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसके साथ एसेसरीज क्या है,
और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि कौन सा इसका ब्रांड है, और सारी चीज़ आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन उसका अच्छा डालेंगे तो आपका जो सामान है उसमें लोगों को क्या होगा, ट्रस्ट होगा, और तभी आपके पास कॉल आएंगी और आपका सामान जो है वो जल्दी से जल्दी बिक सकता है, और जो प्राइस आप मांग रहे हैं उस प्राइस में ये बिक सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर से कॉपी करके इसको कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करा और यहाँ पर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर से इसका प्राइस भी डाल दिया, सारी चीज़ें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन होता है फोटो अपलोड करने का, जो भी आपका प्रोडक्ट है आपने क्या करना है उसकी फोटोज़ डालनी है, और जितनी ज़्यादा फोटो डालेंगे और जितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डालेंगे उतना लोगों को ज़्यादा क्या होता है, ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पर से मैं डाल देता हूँ, जैसे ये है सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ब्रांड न्यू है, कवर पैक है, दूसरी फोटो भी हम डाल देते हैं, दूसरी में ये वाली डाल देता हूँ, तीसरी डाल देते हैं, चौथी डाल देते हैं, पांचवी, छठी। तो हमने यहाँ पर 6 फोटो डाल दी है, मैक्सिमम जो है आप 8 फोटो डाल सकते हैं, और हमने यहाँ पर 6 फोटो जो है वो डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर डालनी है, जैसे यहाँ पर आपने अपना नेम डालना है, जैसे मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ सुंदर, और यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना है ताकि आपको लोग कॉन्टेक्ट करें। और यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस भी सिटी में आप हैं वो यहाँ पर आप सिटी डाल दीजिए, आपने यहाँ पर हल्द्वानी उत्तरांचल यहाँ पर से आ गई सिटी, और यहाँ पर आपने क्या करना है नियर बाय का जो भी आप यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, जैसे हल्द्वानी डाल देता हूँ मैं, हल्द्वानी तल्ली डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपने सारी डिटेल्स डाल दी हैं, जैसी सारी डिटेल्स डाल दी है उसके बाद यहाँ पर आप इनके टर्म्स ऑफ यूज एंड पोस्टिंग रूल्स पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें पोस्ट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर सबमिट में क्लिक करते हैं, तो जैसे हम सबमिट में क्लिक करेंगे जो हमारा एड है वो सबमिट हो जाएगा रिव्यू होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे ताकि ये आपको वेरीफाई कर लें और वेरीफाइड मोबाइल आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कोड हमारे मोबाइल पर आ चुका है, हम यहाँ पर कोड को एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर अगर वेरीफाइड होता है तो जो बायर होगा उसको क्या होगा, ट्रस्ट होगा कि ये जो बंदा है ये सही में अपना सामान बेच रहा है। तो आपने यहाँ पर से क्या करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर से जो OTP आ गया है कोड उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पर कोड डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो ऐड है वो सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है और आपका जो विजिबल होगा वो कुछ ही मिनट में विजिबल हो जाएगा। अगर आप अपना ऐड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से व्यू ऐड में क्लिक करके इसको देख सकते हैं, अगर आप दूसरा ऐड पब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ दूसरा ऐड भी पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऐड है ये यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी ये पेंडिंग होगा, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही अप्रूव हो जाता है मैं अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप इसका स्टेटस जो है कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर देखिए आपका अकाउंट है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें जैसे ही माउस लेके आएंगे यहाँ पर आपका माय अकाउंट के नीचे एड्स है, तो आपने क्या करना है एड्स में क्लिक करना है। तो जैसे ही एड्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये एक्टिव है, एक्टिव में अभी कोई भी एड जो है आपका है नहीं, यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ पर पेंडिंग में देखना है। तो अभी आपका जो एड है वो पेंडिंग में चल रहा है, तो जैसे ही ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको जल्दी से जल्दी और अच्छे दामों में कैसे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी कोई भी मैसेज नहीं आया, जो ऐड है ये अभी अप्रूव होने के लिए गया है, कुछ मिनट में ये क्या होगा अप्रूव हो जाएगा, तब तक का मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही अप्रूव हो जाता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी और अच्छे दामों में कैसे बेच सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐड जो है वो एक्टिव हो चुका है और ये हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं OLX में जाते हैं, OLX.in में गए और उसके बाद यहाँ पर से हम अपना ऐड देखते हैं कि हमारा कोई है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है। OLX.in खुल गया, यहाँ पर इसने लोकेशन गेट कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर बैंक सर्च करना है, पावर बैंक ये आ गया, पावर बैंक हल्द्वानी, हम यहाँ पर से इसमें क्लिक करते हैं। तो जैसे इसमें क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए हमारा ऐड जो है ये आ चुका है, तो हमारा जो ऐड है यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो इस ऐड में आप देखिए कोई भी यहाँ पर आता है हल्द्वानी में पावर बैंक सर्च करता है तो उसको ये ऐड दिखेगा, जैसे उसको ये ऐड दिखेगा वो इसमें क्लिक करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्लिकेबल तब होगा ये जब यहाँ पर आपने टाइटल जो है वो अच्छा सा डाला होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रांड न्यू डाल रखा है, आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं, मतलब जो आपको लगे कि वो अच्छा हो
मतलब अट्रैक्टिव हो, तो आपने वही टाइटल यहाँ पर डालना है। तो टाइटल यहाँ पर डाला, अब जिसने ये पावर बैंक खरीदना होगा वो आया और नीचे यहाँ पर देखा, इसने डिस्क्रिप्शन देखा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं कि ये कैसा कैसा है। अब ये देखिए जो पावर बैंक है ये क्या है, मोबाइल की एसेसरीज है, और यहाँ पर हमने कहीं पर कीवर्ड यूज़ कर रखा है मोबाइल की एसेसरीज, जी हमने यहाँ पर कहीं पर नहीं कर रखा है। तो हमने क्या करेंगे ताकि हमारा जो ऐड है वो ज़्यादा क्या हो, सर्चेबल हो, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें मोबाइल की एसेसरीज डालेंगे। एक तो कीवर्ड यहाँ पर हम कहीं डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं या फिर हम यहाँ पर टाइटल में भी डाल सकते हैं, एक चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए जो हमारा ऐड है ये देखिए यहाँ पर इसने बता दिया है कि 23 लोगों ने इसको व्यू कर रखा है। तो 23 लोगों ने इसको व्यू कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि लोग इसको देख रहे हैं और लोगों को ये पसंद आ रहा है, और कॉल नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इस ऐड में कुछ गड़बड़ है। अगर कॉल आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो प्राइस है ये 800 से बढ़ा सकते हैं। और 800 से कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, जहाँ पर ये आपका ऐड है मतलब यहाँ पर से गए और यहाँ पर ऐड में गए तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका ऐड एक्टिव है यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है एडिट का। अगर आपके पास बहुत सारी कॉल आ रही हैं तो आप इसका प्राइस जो है वो तुरंत बढ़ा दीजिए 800 से, यहाँ पर जो भी आपने नया प्राइस रखना है वो यहाँ पर से रख सकते हैं। और अगर आपके पास कॉल नहीं आ रही हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है, टाइटल में चेंज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने, जैसे यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन, ये जो इसका टाइटल है टाइटल में थोड़ी बहुत और चेंज कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, प्राइस में जो है, प्राइस अगर आपके पास कॉल नहीं आ रही है तो आप इसका प्राइस जो है थोड़ा सा कम कर लीजिए, अगर आपके पास कॉल आ रही है तो आप इसका प्राइस जो है वो बढ़ा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी 900 कर देता हूँ, 900 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मोबाइल एसेसरीज जो है उसको भी हम यहाँ पर डाल रहे थे। तो यहाँ पर मैं मोबाइल एसेसरीज जो है वो एक कीवर्ड भी यहाँ पर हो जाएगा, मोबाइल एसेसरीज एक साथ कर देते हैं। तो देखिए मोबाइल एसेसरीज जो है यहाँ पर एक कीवर्ड भी हो चुका है। अगर कोई मोबाइल एसेसरीज भी सर्च कर रहा होगा तो हमारा ऐड उसको विजिबल हो जाएगा। अब भले ही वो अगर लेना चाह रहा है तो ले सकता है, क्योंकि उसको अगर रेट अच्छे दिख रहे हैं और ब्रांड न्यू है तो इसका मतलब क्या, वो ले भी सकता है। हमने यहाँ पर ऐड में चेंज कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसमें अपडेट में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट ऐड आ गया, हम क्या करेंगे इसमें क्लिक करेंगे अपडेट ऐड में। तो जैसे ही अपडेट ऐड में क्लिक करा पर देखिए अब प्राइस जो है यहाँ पर चेंज कर दिया हमने, 800 से 900 हो चुका है। अब क्या होगा, जो भी कॉल करेगा उसको 900 के हिसाब से वो कॉल करेगा, और अगर आपको बार्गेनिंग भी करनी है तो आप इसको 850 तक का निकाल सकते हैं। तो 850-900 आप इस रेंज में इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको आसानी से अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है मतलब कॉल नहीं आ रही है आपके पास, तो आपने ऐड में चेंज करना है, ऐड कॉपी में चेंज करेंगे और उसमें अट्रैक्टिव चीज़ें लिखेंगे तो आपका आपके पास कॉल आनी जो है वो शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे इसमें कोई फेक प्रॉमिस मत कीजिए, जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से बताइए, बस इतना करिए और आपका जो प्रोडक्ट है जो सामान है वो अच्छे से और जल्दी से अच्छे दामों में बिक जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।